अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने दोष करार दिया है। शशिकला के साथ उनके दो रिश्तेदारों को इस मामले में 4 साल की सजा हुई है, साथ ही 10 करोड़ रुपए की जुर्माना भी लगाया गया है। अब शशिकला 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखेंगे अधिक संपत्ति मामले में कब क्या हुआ है। में जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्य स्वामी ने जयललिता पर आरोप लगाया है। 1991 से 1996 तक तमिलनाडु सीएम रहते हुए उन्होंने 6 करोड़ संपत्ति उज्जित को आरोपण किया। सात दिसंबर 1996 जयललिता को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। 1997 में जयललिता के साथ 3 रिश्तेदारों पर चेन्नई की अदालत में मामला शुरू हुआ है। 4 जून 1997 को चार्जशीट दर्ज की गई। 1 अक्टूबर 1997 में तात्कालिक राज्यपाल फातिमा बीबी के आवास से मुकदमा चलाने को दी गई। मई 2001 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जयललिता के पार्टी को बहुमत मिला और जयललिता मुख्यमंत्री बनी। 21 फरवरी 2002 को जयललिता के विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में विजेती गई जयललिता मुख्यमंत्री बनी। 18 नवंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेंगलुरु कोर्ट पर ट्रांसफर किया। जयललिता ने बेंगलुरु कोर्ट पर दाखिल हुए और 27 सितंबर 2014 बेंगलुरु कोर्ट ने जयललिता के साथ शशिकला और दोनों पर दोषी ठहरा गया। जयललिता को 4 साल की सजा और 10 करोड़ की जुर्माने की सजा सुनाई गई। 2014 में जयललिता ने विशेष अदालत के फैसले पर चुनौती देकर अमानत की मांगी की। बेंगलुरु जेल में 13 दिन बिताने के बाद जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला। 3 महीनों में पूरी सुनवाई करने की आवाज दी। 18 अक्टूबर 2014 पूरे 21 दिन जेल में बिताने के बाद जयललिता जेल से रिहा हुई। 8 दिसंबर 2014 में अदालत के फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में फैसला सुनाने की अपील की गई। 11 मई 2015 कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता के साथ 3 उन्हों को बरी कर दी। ऐसे अधिक मामले से जयललिता को दोष मुक्त किया जाने को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 7 जून 2016 जयललिता के खिलाफ अत्यधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया। 5 दिसंबर 2016 में लंबी बीमारी के बाद तमिलनाडु मुख्यमंत्री जयललिता का निधन हुआ। 14 फरवरी 2017 के आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। शशिकला के साथ अंग को दोषी कर दिया।